हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य जैन, CA CS CMA इंटर एंड फाइनल का FM का फैकल्टी। आज मैं आप लोगों को इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारी क्वेरी आ रहे हैं मेरे पास, तो अकॉर्डिंगली मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। इन्फोसिस ने अपने Q4 के रिज़ल्ट कल अनाउंस किए हैं, मतलब फ्राइडे आफ्टर 3:30 PM। तो मतलब जो इन्फोसिस ने जो रिजल्ट अनाउंस किया है वो फ्राइडे आफ्टर 3:30 PM अनाउंस हुआ है। तो इसका मतलब अभी जो भी रिजल्ट आया, अच्छा बुरा, उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट में आना बाकी है। सैटरडे संडे बीइंग मार्केट क्लोज्ड, तो अब जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो मंडे को आएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी सैटरडे है, तो आज जो भी मैं बोलूंगा उसका इम्पैक्ट मंडे को आप देखेंगे, आप उसकी इफेक्ट को मंडे को पाएंगे। बट स्टिल कॉन्सेप्ट यही है कि आफ्टर मार्केट अगर कोई न्यूज डिक्लेयर होता है तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में आता है, क्योंकि इन्फोसिस का ADR भी है। ADR क्या होता है हम लोग अपनी क्लास में बताते हैं, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। नैस्डेक में ये लिस्टेड है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्फोसिस ADR किस तरह से रिएक्ट करी है ऑलरेडी। बिकॉज जब USA में मार्केट ओपन होता है तो हमारा मार्केट क्लोज होता है, तो USA इंडियन टाइम के हिसाब से रात को ओपन होता है, हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो रात को कल जब मार्केट USA का ओपन हुआ था इंडियन टाइम के हिसाब से, तो इन्फोसिस का ADR वॉज डाउन 7% से ज्यादा। इन्फोसिस की ADR गिरी थी, और कल जब फ्राइडे क्लोजिंग था, इन्फोसिस का जो NSE BSE का रेट था डेट वॉज इन ग्रीन। मतलब क्योंकि कल तो इम्पैक्ट आया नहीं होगा, फ्राइडे क्लोजिंग होने के बाद ये रिजल्ट आया है, तो इसका NSE BSE में जब इम्पैक्ट आएगा तब मंडे को इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ADR जो इन्फोसिस का USA में लिस्टेड है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है और वो 8% के आसपास डाउन है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मंडे भी जब मार्केट खुलेगा इन्फोसिस का भी जो प्राइस है वो गिरेगा। तो अकॉर्डिंगली कुछ 4-5 दिन से क्या हो रहा था जरा उसके भी हम थोड़ा रिसर्च करते हैं। अगर आप 5 दिन की चार्ट देखेंगे इन्फोसिस की, तो लास्ट 5 दिन में इन्फोसिस बढ़ रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था। मतलब लास्ट 5 दिन में काफी अच्छा उन्होंने इंक्रीज किया है ड्यू टू एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो ऑलरेडी बहुत लोग इसे बाई कर बैठे हुए होंगे, तो वो भी अब उसे सेल करना चाहेंगे मंडे को, और अपना उनके रिजल्ट का सेलिंग प्रेशर तो एक होगा ही होगा। रिजल्ट क्या रहा, कैसा रहा, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। तो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका था, तो अभी मंडे को यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी प्राइस गिरेगी, क्योंकि ADR ऑलरेडी गिर चुका है इसका। तो हम ADR का भी रेट देखते हैं। देखिए ये ADR का रेट है, ADR भी काफ़ी बढ़ रहा था काफ़ी दिनों से। देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि ये बढ़ रहा था और अचानक से ये गिर गया। ये कल की रात की प्राइस है, जब रिजल्ट आने के बाद की प्राइस है। तो इन शॉर्ट रिजल्ट आने के बाद की इम्पैक्ट ADR में आ चुकी है, लेकिन अभी इन्फोसिस में नहीं आई है। इन्फोसिस में कब आएगी, मंडे को आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम ट्रेंड को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं, हम एक्सपेक्टेशन को देखते हैं, और हम ADR को भी देखते हैं क्योंकि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली उसने नेगेटिव रिएक्ट किया है, तो इंडियन मार्केट भी एक्सपेक्टेड लाइन में नेगेटिव रिएक्ट करेगा। अब रिजल्ट्स क्या रहा, तो रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड लाइन्स थी। ड्रॉप आई है रिजल्ट्स में 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, QOQ मतलब होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में ड्रॉप आई है। 28% उनका जो प्रॉफिट है वो कम आया है, और गाइडेंस जो उन्होंने दिया है वो 6-8% का गाइडेंस दिया है। गाइडेंस मतलब होता है फ्यूचर में वो कितने से ग्रो करेंगे, एंड इसमें भी उन्होंने अपनी गाइडेंस को कट करी है, मतलब गाइडेंस उन्होंने कम रखी है। तो दिस इज न्यूज जो कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा परेशान कर रहा है।
इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। तो और भी इसके बहुत सारे टेकअवेज हैं जो रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग ने रिसर्च किया है, तो अकॉर्डिंगली आप मेरा एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं इंफोसिस या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम जो भी न्यूज़ होती है वो हम पोस्ट करते हैं, हम लोग के स्पेशली CA, CS और CMA कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, बट ऑल आर इन्वाइटेड। हम लोग ने फ्राइडे अपनी क्लास में ये कह दिया था कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बढ़ रहा है इन्फोसिस का रिजल्ट, और इनफैक्ट आप इसके सिमिलर सेक्टर के कंपनीज के को भी देख सकते हैं, SCL टेक, TCS, विप्रो, उनके भी गिरने के चांसेस हैं मंडे को, बिकॉज अगर सेक्टर में एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो ये माना जाता है कि बाकी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मैं आपको अकॉर्डिंगली इसकी लिंक भी दे दूंगा, और अगर आप व्हाट्सएप में हैं तो व्हाट्सएप में भी आप मुझे 9991442626 में आप मुझे इन्फोसिस रिजल्ट्स के की टेकअवेज अगर आपको चाहिए और अदर्स रिलेटेड मार्केट के न्यूज़ चाहिए तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको इसमें टेलीग्राम का लिंक दूंगा और अकॉर्डिंगली आप उसे ज्वाइन करिएगा, और ऑब्वियस ही बात है इससे हम लोग फ्यूचर में भी कोई अगर हमारे पास न्यूज़ आता है, कोई भी हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट्स के कुछ ऑप्शंस आते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो इन्फोसिस रिजल्ट्स लिखकर आप टाइप करिएगा और इसे व्हाट्सएप में हमें दे दीजिए, 9991442626। फाइन, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फोसिस रिजल्ट्स जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस में है, लेकिन गाइडेंस की ड्रॉप के कारण और QOQ के प्रॉफिट के ड्रॉप के कारण और ADR के गिरने के कारण, और ऑलरेडी ये ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है उसके भी कारण मंडे को इसकी प्राइस गिरने की संभावना है। तो सर हमें करना क्या है, इन्फोसिस अच्छी कंपनी नहीं है क्या? मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि इन्फोसिस अच्छी कंपनी नहीं है, इन्फोसिस ए वेरी गुड कंपनी, इन लॉन्ग रन ये बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा कर सकती है। तो अगर मॉर्निंग में थोड़ा ड्रॉप आता भी है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप गिरी हुई रेट पे बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, एटलीस्ट 1 ईयर एंड मोर, ठीक है? तो दिस इज टोटली अप टू यू कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। इन्फोसिस इज ए वेरी गुड कंपनी, इज ए डेट फ्री कंपनी, आज तक इन्फोसिस ने एक रुपए का भी लोन नहीं लिया है, अच्छी डिविडेंड है, अच्छी EPS है, अच्छी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर एक्सपेक्टेड है जो कि आंकी गई है, और रुपए का रेट दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है IT सेक्टर्स के लिए। हम लोग ये सब क्लास में पढ़ाते हैं, अपने फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ाते हैं कि अगर रुपए का रेट गिरता है तो इन्फोसिस जैसी कंपनी को फायदा होता है और ऑयल कंपनी जैसे BPCL, SPCL जैसी कंपनी को नुकसान होता है। तो आई होप आप लोग अपने पढ़ाई को प्रैक्टिकली भी लिंक करोगे और फाइनेंस लाइन में आप आने की कोशिश करोगे, एटलीस्ट आप इसको सोचोगे कि फाइनेंस भी एक अच्छा लाइन है, आप दूसरों को प्रेरणा दोगे, और हमारी क्लास में हम लोग 100% एग्जाम ओरिएंटेड के साथ साथ 100% प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलते हैं, जहां हमारे स्टूडेंट्स का SFM में जो FM का सब्जेक्ट है उसमें 100 out of 100 आता है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का 100 out of 100 आया है इन मैनी एग्जाम्स, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1, टॉप किया है, इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में हमारे बच्चे आते हैं, साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब भी लग रही है, आर्टिकलशिप में उन्हें 50,000 रुपये का स्टाइपेंड मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में चाहे गोल्डमैन सैक्स क्यों ना हो, चाहे JP Morgan, चाहे नोमुरा, चाहे सिटी ग्रुप क्यों ना हो, और आफ्टर क्लियरिंग CA दे आर अर्निंग एज मच एज 60 to 70 lakhs पर एनम। तो आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लाइन में आए, और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ उसे आप लाइक करें और डेफिनेटली शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोग जो फाइनेंस के प्रति जो हम लोगों की जो डिवोशन है और वो स्ट्रांग हो, और आप लोग लाइफ में अच्छा करें, अच्छी लर्निंग करें और अच्छी अर्निंग करें। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ कि आप लाइफ में अच्छा करोगे,
मैं आज इस छोटे से वीडियो को यहीं ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच।